नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है बहस का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए जल बोर्ड के टैंकर घोटाले के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में तो आए हैं, लेकिन अब वो खुद दिल्ली जल बोर्ड को घोटाले के आरोप में फंसते नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट दिखाते हुए यह आरोप लगाया है कि 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। दिल्ली के टैक्स पेयर का 26,000 करोड़ रुपए हड़पने के बाद केजरीवाल सरकार डकार तक नहीं ले रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई सफाई पेश नहीं की है। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है। तो दिल्ली में पानी का काला खेल, जल बोर्ड बना करप्शन का अड्डा, बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर आरोप, सीएजी रिपोर्ट दिखाते हुए यह आरोप लगाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। तो बीजेपी की मांग, विधानसभा सत्र बुलाए केजरीवाल, टैक्स पेयर का 26,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था और 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है, भाजपा ने यह आरोप लगाया है। तो केजरीवाल सरकार ने हर घर में नल से जल देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली के 1/4 भाग को भी शुद्ध पानी यानी कि पीने लायक पानी नहीं मिल पाया है, ये भी आरोप भाजपा ने लगाए हैं। तो 2015 में जितना पानी पीने योग्य था, 6 साल बाद भी आज स्थिति वही की वही है। तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, ये सुनाते हैं आपको। ये वो सारे ब्रेकअप है जो मैं आज बात कर रहा हूँ, वो उन 26,000 करोड़ से ज्यादा की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड ने अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाया पैसा। और ये पूरी मंशा है कि जल बोर्ड का पैसा, दिल्ली सरकार का पैसा, जल बोर्ड के माध्यम से वो डकार जाए, दिल्ली के लोग डकार जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी मिली भगत से ये डकार जाए, यही पूरी मंशा है। अगर उनकी मंशा सही, नियत साफ होती तो वो कागजों में ये सब दिखाते कि हमने 26,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड, वो अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो अमृत योजना हो, चाहे वो जैसा विदुरी जी ने कहा है कि जो नितिन गडकरी जी की मंत्रालय ने दिया, वो अलग है। यमुना एक्शन प्लान में अलग है। एसटीपी प्लांट लगाने के लिए जो 400 करोड़ रुपया दिया था वो अलग है। ये सबसे अलग है। ये वो पैसा है जो दिल्ली सरकार ने बिना उसके बजट के उनको, दिल्ली जल बोर्ड को दिया है, और जिसका आज भी कोई भी हालात में सुधार नहीं हुआ। इसीलिए मैंने एक एक बात का जिक्र किया। जैसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा था, आज उससे कम हो रहा है। पानी की पर कैपिटा आज कम है। तो जब हर किसी भी काम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, दिल्ली के लोग जस के तस हैं, पानी टैंकर माफिया सक्रिय है, तो ये पैसा कहां गया 26,000 करोड़। देखिए, तो चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो आरती मेहरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं, पूर्व मेयर हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है आरती जी आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। और साथ ही इसके हमारे भीष्म शर्मा जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस से, जो कि जल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भीष्म जी न्यूज़ वन इंडिया पर। और इसके साथ ही रामराज तिवारी, आप नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी न्यूज़ वन इंडिया पर। तो तिवारी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा क्योंकि आरोप आपके ऊपर लगा है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की यहाँ पर, तो केजरीवाल सरकार आई है घोटालों को लेकर ही, यानी कि घोटालों के खिलाफ आवाज उठाकर, आंदोलन करके और आवाज बुलंद करके, और लगातार ये बात कहेगी कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये क्या, आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में, घोटाले के आरोपों में घिरते नजर आ रही है? ऋतु जी नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। पूर्व मेयर भी हमारे साथ हैं, बहन आरती मेहरा जी, हमारे भीष्म शर्मा विधायक जी भी हैं, आदेश गुप्ता तो निगम पार्षद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, शायद उस जानकारी नहीं होगी इनको। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली की जनता 62 सीट क्यों दे रही है इनको पता नहीं है, और इनको, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। एमसीडी का जितना घोटाला हो रहा है,
जनता के पास जा नहीं सकते, ये जल बोर्ड का घोटाला लेके आ रहे हैं, आप बताइए हमको। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? जल बोर्ड पर जाकर के आदेश जी पूरा नर्क मचा दिए जल बोर्ड ऑफिस में जाके। आप लोगों ने देखा सरेआम गुंडई सरेआम इन लोगों की भाजपाइयों की थी, तो इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। अरे भाई तुम्हारे पास सीबीआई है, तुम्हारे पास पुलिस है, अरे तुम जांच कराते क्यों नहीं? फर्जी क्यों बेमतलब की बात करते हो भाई? आप जांच कराओ ना, सीबीआई की जांच कराओ, अपने आप पता लग जाएगा। अभी आपके सामने 10 लाख रुपया इनका निगम पार्षद पकड़ा गया, अभी सीबीआई में 2 लोग पकड़े गए एमसीडी के, अभी इनके और भी बड़े नेता जो भ्रष्टाचार में फंसेंगे। तो अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जनता में कौन सा मुंह लेके जाए? तो अब लेके चले आए टैंकर घोटाला। टैंकर घोटाला तो खत्म हुआ है रितु जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर घोटाला जो खत्म हुआ है केजरीवाल जी की सरकार में, राघव चड्ढा जी के नेतृत्व में। जैसे आज एमसीडी जो है माननीय दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में चल रही है, सारा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, घोटाला उजागर हो रहा है। तो आज कोई बात इनके पास है नहीं, मैं कह रहा हूँ आप इसकी सीबीआई जांच करा लो ना भाई। नहीं तो जांच कराने की जरूरत क्या है? जो बोल रहे हैं वो दिखा दीजिए उसके पत्र, क्या दिक्कत है इसमें? जांच तक कोई घोटाला है ही नहीं है, आके देखे ना भाई। अब ये थोड़ी है कि यहाँ बैठ करके फर्जी दिखाएंगे। 2500 का घोटाला है, यानी कि आप ये बात कह रहे हैं कि 26000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो फर्जी है। चलिए आरती मेहरा जी जुड़ी हुई है, ठीक आरती मेहरा जी से जवाब जान लेते हैं। आरती जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि ये जो आरोप लगाया गया है ये फर्जी है, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, इसीलिए इसको मुद्दा बना लिया। रितु जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी अपने प्रिय साथी आम आदमी पार्टी के कि बीच में ना बोले, हम एक शब्द भी बीच में नहीं बोले। देखिए ऐसा है कि पूरे एक पार्टी विद अ डिफरेंस टू ब्रिंग अ चेंज, ट्रांसपेरेंसी पूरी रखेंगे, ई गवर्नेंस करेंगे, ई टेंडरिंग करेंगे, सारा होलिस्टिक अप्रोच टू वर्ड कंप्यूटराइजेशन, जिससे कि पूरी पारदर्शिता आए। लेकिन आज इनको 7-7.5 तीसरी बार ये जीत के आए हैं और आज तक इन्होंने पूरा कंप्यूटरीकरण नहीं किया है। और इनको प्रॉब्लम क्या है, ये सीबीआई कहते हैं, ये जांच एजेंसियों की बात करते हैं। हमने अगर आरोप लगाया, अरविंद केजरीवाल तो इतने सच्चे, इतने अच्छे, इतने महान है, तो वो ये क्यों नहीं करते कि वो सारे के सारे निकाले कि जी इतना बजट दिया गया, जो हम कह रहे हैं कि 41,000 करोड़ दिया, जिसमें 26,000 करोड़ का आपने कुछ भी डिटेल नहीं है, 26,000 करोड़ इनकी जेबों में गया ऑफिसर्स की और नेताओं की। अगर हमारा आरोप फर्जी है, फेक है, तो आप करिए ना, आप सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका ये धर्म बनता है, आपका ये दायित्व बनता है, आप हमें मत दें। आप इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, आप एक बड़ा एड दें और उस एड में पूरा क्लियर करें कि इतना बजट एमसीडी जल बोर्ड को दिया गया और उसमें ऐसे ऐसे खर्चा किया गया। तो अगर क्लियर है बातें इनकी, सच्चाई ये है कि करप्शन में ये ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं, पूरे भ्रष्ट हैं, और इनके भ्रष्ट तंत्र को एक एक करके हम उजागर कर रहे हैं और उखाड़ेंगे। तो इसलिए ये बौखला रहे हैं, इसलिए इस तरीके से इनका वो है। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये समय आ गया, दिल्ली की जनता को जानना चाहिए, दिल्ली की जनता को पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए और जो हो रही है। ठीक, भीष्म शर्मा जी से बात कर लेते हैं, वो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं जल बोर्ड के। शर्मा जी, कांग्रेस में क्योंकि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की,
तब आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल सरकार की अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी ही जोर शोर के साथ इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि टैंकर घोटाला हुआ है, आम आदमी के साथ धोखा हुआ है। अब ऐसे में ये आरोप लग गया है अब आम आदमी के ऊपर की एक बड़ा घोटाला किया है और जो 26,000 करोड़ रुपए है उसका गबन कर लिया गया है। जिस ट्रांजेक्शन तो हुई लेकिन ये नहीं पता कि आखिर वो खर्च कहाँ हुआ, जो सुविधाएं देनी चाहिए थी दिल्ली वासियों को वो नहीं मिली है। इस पर आपका क्या कहना शर्मा जी? देखिए, जब शीला दीक्षित की सरकार थी और शीला जी मुख्यमंत्री थी उस वक्त केजरीवाल जी ने बड़े धरने प्रदर्शन करके स्कूटरों पर गाड़ियों पर लिखवा दिया था, काटा मारा था कि ये चोर है, ये डकैत है, जेल में होंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा दिल्ली का तो सबसे पहले शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा। केजरीवाल पर 6 साल होने कितने दिन होने के बाद भी आज तक एक भी कांग्रेस के नेता को इसने जेल में नहीं डाला इन्होंने। और आज बड़े दुख की बात है कि 41,000 करोड़ लोन देने के पश्चात 26,000 का आपके पास कोई इसका चार्ट नहीं है कि हमने कहां पर खर्च किया है, किसको दिया है, किसको लिया है। तो इससे बड़ा घोटाला मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। ये वास्तव में इतना बड़ा घोटाला है, आज तक जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। जहां तक टैंकरों की बात करी, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। दिल्ली के अंदर आज भी गंदा पानी आ रहा है, एक गैलन पानी भी इन्होंने आज तक 6 साल के अंदर नहीं बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो ये कहते हैं कि हमने 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, तो ये घोटाला ही तो है। जो लीटर पानी फ्री दे रहे हैं घोटाले से तो कर रहे सारे काम ये। आज दिल्ली के अंदर एक भी इंच इन्होंने पानी की क्षमता नहीं बढ़ाई है। 1140 MGD दिल्ली की जनता को पानी चाहिए, लेकिन आज तक इन्होंने 990 MGD पानी जो कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी, जितने सीवर प्लांट छोड़ के गई थी, जितने हमारे रिजर्वायर थे, हमारे चाहे भागीरथी विहार हो, सोनिया विहार हो, अपना भागीरथी अपने चंद्रावल हो, हमारे 14 ट्रीटमेंट प्लांट है, एक भी प्लांट इन्होंने नया नहीं लगाया। सीवर का काम सारे ठप पड़े, सब चीज में भ्रष्टाचार में डूबी है दिल्ली सरकार। और जहां तक भाजपा की बात है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, बीजेपी वाले उन पर लगा रहे, वो 13,000 करोड़ मांग रहे हैं। आप देखिए कल ही हाई कोर्ट ने ये रीजन दिया था, एमसीडी को फटकार लगाई थी। आज दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वो 13,000 करोड़ मांग रहे, वो बड़े बड़े होटल बैरिंग ला रहे। ये दोनों पार्टियां इस टाइम भ्रष्टाचार में डूबी हैं और दिल्ली के लोगों को अब इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। दिल्ली के लोग सब जान चुके हैं कि केजरीवाल जी झूठ बोल करके सत्ता में काबिज हो गए हैं। और भाजपा दिल्ली नगर निगम में भी जिस तरह भ्रष्टाचार पनप रहा है, आज दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है एमसीडी का भी। आज लोगों को इनके तनख्वाह देने के लिए नहीं है, दिल्ली के अंदर सफाई नाम की चीज नहीं है। एमसीडी के स्कूलों की हालत बड़ी खराब थी पहले भी, इतना बुरा हाल। भीष्म जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि देखिए जल बोर्ड में आप चेयरमैन रह चुके हैं, अब क्योंकि जल बोर्ड को लोन दिया गया, ठीक, अब जल बोर्ड को जब लोन दिया गया तो उसमें से 26,000 करोड़ का एक ऐसा अमाउंट है जिसके बारे में कोई भी ब्यौरा नहीं है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन हुई है। देखिए ये ट्रांजेक्शन काम ये तो केजरीवाल सरकार बताएगी या राघव चड्ढा बताएंगे, सतेंद्र जैन बताएंगे, सतेंद्र जैन, क्योंकि केजरीवाल बड़े एक तरह से दिमाग से काम करते हैं। उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट ना लेकर के अपने पास, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि इनके मंत्री चाहे जेल जाए चाहे कहीं भ्रष्टाचार में डूबे, तुम साफ रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा केजरीवाल का दफ्तर है और केजरीवाल के दफ्तर से ही सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार में डूबी है और भ्रष्टाचार के अंदर जो केजरीवाल सरकार है, आने वाले समय के अंदर दिल्ली के लोग इनको, भाजपा को भी और केजरीवाल को भी, दोनों को उखाड़ के फेंकेंगे, आप देखते रहना आने वाले समय के अंदर। ठीक, अब तिवारी जी आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा ये जो आरोप लगाया गया है ये सिर्फ क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ये मुद्दा उछाला जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या कुछ बातें सामने आई हैं। अब मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि अगर आपने जल बोर्ड को लोन दिया है तो क्यों अभी तक एक चौथाई जनता ऐसी है जिसको पीने योग्य पानी अभी तक उपलब्ध नहीं है? क्यों आखिर पानी से, जो पीने वाला पानी है उससे जनता अभी तक वंचित है, वो दिक्कतें क्यों है? पानी से संबंधित दिक्कतें, सीवरेज से संबंधित जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जनता को क्यों है? आखिर जब लोन दिया है तो ये सारी दिक्कतें परेशानियां होनी नहीं चाहिए? 2015 से जस की तस स्थिति वही है जो पहले थी। रितु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं भीष्म भाई को बताना चाहता हूँ, पूर्व विधायक जी को आपके माध्यम से, ये चेयरमैन भी रहे जल बोर्ड के, इनके जमाने में जितना भ्रष्टाचार
खूब जम के हुआ है, इसके लिए तो मैं इनको बधाई दूंगा। इसीलिए माननीय केजरीवाल जी आ गए और दिल्ली की जनता ने जो है इनको नेगलेक्ट कर दिया, नकारा कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी जो प्रश्न उठा रही है ये फेक है, गलत है। आप इसको आरटीआई से निकाल सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये लोग किराए के आदमी लेकर के ढूंढना चाहते हैं कि चलो हाहाकार मचाएं, कोई इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। अब बीजेपी की तो बात चलिए ठीक है, वो बोल सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सुपोवा बोले तो बोले, चलनिया काहे को बोल रही है जिसमें 32 छेद हैं, इसका तो कोई नामो निशान नहीं है दिल्ली में, तो 0/0 है। तो कम से कम जो बोले पता तो चले कि हाँ ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार है, ठीक है, आप इसकी आरटीआई से जवाब निकाल लो ना। आपके पास शासन है, प्रशासन है, केंद्र सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप नहीं करते, आप घुमा फिरा करके, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरा दिल्ली में जितने भी आम जनमानस हैं सब खुश हैं। आप कह रहे 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिल रहा है, आपको जो है सीवर कनेक्शन लेना हुआ, पानी कनेक्शन लेना हुआ, वो सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, फिर भी आप जो है कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। अब रही बात है कि आप कहते हो कि अरे ये ऐसे क्यों नहीं हो गया, 24 घंटे में थोड़ी हो जाएगा, वो तो रहा है। भागीरथी बिहार देख लीजिए, हर जगह काम कंस्ट्रक्शन पे न चल रहा हो तो मैडम आप बताइए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को कोई तकलीफ है तो वो सीधे सीधे आरटीआई डाल करके जवाब ले सकते हैं। अगर इनको कोई दिक्कत है तो वो जवाब सीबीआई के पास ले जा करके दे सकते हैं, जैसे ईस्ट एमसीडी में। यानी कि आप कह रहे हैं आरटीआई डालिए और जवाब ले लीजिए। आरती जी, यहाँ पर तिवारी जी का कहना है कि आरटीआई लगाइए और जवाब ले लीजिए। जिन 26,000 करोड़ का आरटीआई तो लगा दी ना जी, हिसाब आप मांग रहे हैं, लगा चुके हैं और आरटीआई में कोई जवाब नहीं आया, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो इनके ऑफिसर इनके डिपार्टमेंट कैसे देंगे? जब पूरा का पूरा गोल है मामला, पूरा भ्रष्टाचार है, तो ये कैसे देंगे? तो सबसे बड़ा प्रश्न ही वही है। यानी कि आदि जी आप कह रही हैं आरटीआई लगाई लेकिन वहां पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे ना इनके ऑफिसर, बिकॉज उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो तिवारी जी बताइए क्यों अधिकारी चुप हैं, आखिर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही सीएजी रिपोर्ट के साथ, हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और जब आम आदमी पार्टी किसी के ऊपर आरोप लगाती है तो बकायदा सारे चिट्ठे और पत्रे लेकर पहुंचती है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर जब आरोप लग रहे हैं तो क्यों नहीं सफाई दे देती है? सफाई देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? जब आरोप लगते हैं तभी तो सारी चीजें दी जाती है ना। तिवारी जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी तिवारी जी, सवाल मेरा आपने सुना नहीं, शायद मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आरटीआई लगाई गई लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसके बारे में कोई भी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब आम आदमी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है तो बकायदा सारे यहाँ पर पोथी पत्र के साथ आरोप लगाए जाते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन न्यूज पेपर में और इसमें ये आरटीआई लगाई गई। अब एक बात बताइए, जब आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा है तो फिर हर्ज ही क्या है सफाई देने में, क्लेरिफिकेशन देने में? किसी भी चीज की सफाई देने की जरूरत नहीं है। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरटीआई डाली है और ना तो कोई बात है, सिर्फ बिना मतलब का विवाद है। जो आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष और माननीय पार्षद भी हैं, तो वो अपने आप को पब्लिक में कैसे शो करें, ये चीज है। कोई आरटीआई नहीं पड़ी है, आरटीआई अगर पड़ती है तो 15 दिन के अंदर जवाब आता है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आरटीआई का जवाब भी नहीं आया। अरे भाई आपने आरटीआई डाली जवाब आएगा कहाँ से? आप आरटीआई डालिए, आरटीआई जवाब नहीं आता फर्स्ट अपील डालिए, फर्स्ट अपील में सेकंड अपील आता है उसमें डालिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं बैठ के चैनल पे? आरती जी जवाब दीजिए, झूठ नहीं बोल रहे, कम से कम छह तो मैंने डाली हुई है जो जिनका कोई जवाब नहीं आया, छह आरटीआई मैंने डाली हुई है। आरती जी, मैं आपके माध्यम से आरती जी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो आप जो है
एकदम अजूबा बता रही है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। माध्यम से सुन रही है, मैं उनको यही कोई भी कहना चाहूंगी कि सभी लोग आरटीआई डालें और देखें। आप तिवारी जी, आरोप तो लग रहा है आरटीआई डाली गई है लेकिन जवाब नहीं मिला। अगर तनिक भी कोई तकलीफ हो तो वो आरटीआई डाल करके पता तो तिवारी जी बोल दो, तिवारी जी ये बात बोली तो जा रही है बीजेपी की तरफ से और आरती जी भी ये बात कह रही है कि भाई आरटीआई डाली है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जवाब नहीं आया है। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपने कहा कि कोई भी तकलीफ है तो आरटीआई डालिए। अब आरटीआई के बाद अगर कुछ नहीं हुआ और आरोप लग रहे हैं सीएजी रिपोर्ट के साथ, तो आखिर क्यों आप अपनी सफाई पेश नहीं कर देते हैं? कोई पेश करने, आप पता कर लीजिए, हमारे यहाँ पाक साफ है सब कुछ, किसी प्रकार का कोई घपला नहीं। अगर घपला है तो भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के शासन में है पूरा घपला, करोड़ों का घपला। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर जो घोटाला है वो जल बोर्ड को लेकर है कि जो लोन दिया गया था 41,000 करोड़ रुपए का, उसमें से 26,000 करोड़ रुपए का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, आखिर वो कहाँ खर्च हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी कोई सफाई देने को राजी नहीं है, बीजेपी ने आरोप लगा रखा है। खैर, देखना होगा अब ये पूरा मामला, पूरा विवाद आगे कहाँ तक पहुँचता है। फिलहाल आज के इस बहस में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।